So, hey guys, this is उज्जवल मेहता और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो रखा है या फिर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके रिजल्ट यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि आपका एग्जाम कब होगा या होगा या फिर नहीं होगा। तो बने रहिए वीडियो पर, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के या फिर थर्ड ईयर के, तो आपका एग्जाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे अब ये बात सवाल उठता है कि एग्जाम आखिर कब होगा, तो एग्जाम होगा जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, उसके कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात ये है यहां पर कि सेकेंड ईयर जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे थे और जो थर्ड जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे थे, उनको प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट सेमेस्टर में। बट यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका एग्जाम मस्ट होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और ये मत सोचे कि एग्जाम नहीं होगा और विदाउट एग्जाम हम नेक्स्ट सेमेस्टर में अलॉट हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है और मैं साथ में और बता दूं कि 2018 के जो भी बच्चे हैं, 2018 बैच के या फिर 2019 बैच के, अगर उनके एग्जाम कोई भी, जैसे कि या तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो या फिर बैचलर कर रहे हो, बैचलर वाले में भी यानी कि ग्रेजुएशन वाले में भी, उन सभी का एक ही है नोटिस, एक ही नोटिस पे आया था क्या कि सबका एग्जाम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।